हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द पी स्क्वायर। आज हम बताएंगे आपको कि कैसे आप अपनी हेयर लाइन को आगे ला सकते हो या अपने हेयर ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। इसका 100% रिजल्ट है क्योंकि मैंने अपने ऊपर आजमाया है। 2 महीने का रिजल्ट मैं दिखाता हूँ आपको कैसा है। 2 महीने का रिजल्ट है, सिर्फ 2 महीने का, और बहुत अच्छा रिजल्ट है। ठीक है, देखो मैं दिखाता हूँ मेरी हेयर लाइन कैसे बैक आई है। पहले मेरी लाइन काफ़ी पीछे थी, अब मैं आपको दिखाऊँ तो ये छोटे छोटे बाल आपको दिख रहे होंगे, ये नए आए हैं मेरे। ये यहाँ पे भी ये जो दिख रहे हैं आपको, ये देखो नए, बिल्कुल नए नए बाल आ रहे हैं छोटे छोटे। ये फ्रंट पे भी आए हैं, इनको मैं बड़े बालों को पीछे रखूँ तो ये देखो, ये देखो ये, लेकिन इतने से बाल 2 महीने में निकले हैं। वैसे तो 2 महीने में काफ़ी लंबे बाल आ जाते हैं। ये आए कैसे, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, कि कैसे आए इतने बाल। अरे इसका क्या है, दो जगह काम करता है, तो दो चीज़ें। अगर जब आपके यहाँ पे बाल आ सकते हैं तो पूरे हेड में भी तो आ सकते हैं। जिनके बाल थिनिंग हो जाती है, बाल हल्के हो जाते हैं, हल्के समझ रहे हो, मतलब बाल पतला होके उड़ जाता है, उनके भी बाल आ जाएंगे। क्योंकि मेरे भी यहाँ पे वॉल्यूम थोड़ा कम हो गया था, अब पहले के मुकाबले काफ़ी अच्छा हो गया है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ हुआ कैसे है। इसके लिए आपको एक चीज़ लानी पड़ेगी, बहुत चीपेस्ट है, उसके बाद कुछ नहीं करना, ये लाना पड़ेगा। इसको कहते हैं डर्मा रोलर, मैं दिखाता हूँ ये। अब ये काफ़ी टाइप्स का आता है, मैं आपको बताऊँ तो ये जो है ये घूमता है इसका, ये आता काफ़ी टाइप में, मतलब एक एमएम से लेके 2 एमएम का भी आता है। लेकिन आपको जो लेना है, आपको लेना है 0.5 एमएम का, ज़्यादा डीप वाला नहीं लेना है। अब वर्क कैसे करता है, कैसे यूज़ करना है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल सेफ़ यूज़ करना है, कोई इंजरी या कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। आपने क्या करना है, एक बाउल के अंदर या फिर एक ग्लास के अंदर डिटोल डाल देना है, उसके अंदर पानी डाल देना है। जब आप डिटोल के अंदर पानी डालते हो तो पानी ऐसा हो जाता है वाइट कलर का। ठीक है, अब इसके अंदर इसको डिप करना है। अब इसको ना आप कपड़े से मत पूछना, बस यही गलती करते थे आप। अगर आपके घर में कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी हेयर ड्रायर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप इसको ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, जब तक इसका सारा डिटोल ना निकल जाए। अदरवाइज अगर आपके पास हेयर ड्रायर है लेकिन गलती मत करना, कहीं आप कपड़े के साथ इसको पोंछने में या फूंक मारने में लग रहे हो। नहीं मारना भाई, बिल्कुल नहीं मारना, कोई भी जम्स वाला काम करना नहीं है जिस इन्फेक्शन में। ये डिटोल से साफ हो चुका है, इसे बस आप ड्रायर के साथ नीचे वाला बटन ऑन करके गर्म हवा हॉट ड्रायर से, ठीक है। इसको अगर आपको घुमाना भी पड़े तो आप इसको साइड से घुमाओगे ऐसे करके। इनकी इसकी निडल कीलों पे हाथ नहीं लगाना है आपने। जो लोग अननेसेसरी बिना नॉलेज के यूज़ करते हैं उनको इन्फेक्शन हो जाता है और रिजल्ट भी नहीं आ पाता, क्योंकि इन्फेक्शन हो गया तो इन्फेक्शन की दवाई लेने लगते हैं, उसके बीच में इसको लगा नहीं पाते, फिर बोलते हैं रिजल्ट नहीं आया। तो भाई तरीका भी तो सही होना चाहिए, तरीका पता नहीं है। और कोई कोई तो 1 एमएम की 2 एमएम की निडल लेंगे, भाई वो गड्ढे कर लेते हैं सिर के अंदर, वो अंदर वाली इनर तक डैमेज कर देता है। हाँ होता है, लेकिन एक प्रोसेस होता है उसका भी। ठीक है, अभी स्टार्टिंग आप 0.5 से करो, उसका पेन बिल्कुल ना के बराबर है, हल्की हल्की ऐसा लग रही है जैसे चीटी सी काट रही है। अभी मैं करके भी दिखाऊंगा आपको लाइव कि कैसे होता है, मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा यहाँ पे अपने फुल हेड में। जैसे कि अभी आपने देखा मैंने ड्रायर से इसको पूरा सुखा लिया, किसी कुछ भी हो जाए आपको इस पर हाथ नहीं लगाना है। ठीक है, अब ये पूरा सूख गया, जब ये पूरा सूख गया तो आपने पहले तो शैम्पू कर लेना है, करने से पहले अपने स्कैल्प को शैम्पू करके पूरा ड्राई कर लेना, सूखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, अब ये सूख गया है, अब जस्ट लाइक पहले तो आप इसको ना यूं करके, अगर आपने शेव कर रखा है मतलब आप गंजे हो पूरे, तब तो बहुत बेनिफिट है, आप दिखता है रिजल्ट करते वक्त भी, क्योंकि बिल्कुल निडल तो है, देखो निडल है, हल्की हल्की चुभेगी भी। ठीक है, चुभने के बाद हल्का सा लाल लाल दिखेगा, वो खून निकल के सूख जाता है ऑन द स्पॉट ही, मतलब ना के बराबर निकलता है। अब मैं दिखाता हूँ ना क्या, जैसे आपने यहाँ पे रखा, अब इसको रोल करना है यहाँ पे। ठीक है, पहले हल्के हाथ से, क्योंकि एकदम से ज़्यादा प्रेशर नहीं देना। अब इसको जैसे ये, ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, धीरे धीरे प्रेशर देना स्टार्ट करता हूँ। अभी मैंने बिल्कुल हल्के हाथ से घुमा था, फिर मैं इसको फिंगर को यहाँ पे रख के इसको प्रेशर देता हूँ,
कि ये स्कैल्प में थोड़ा सा नीडल प्रेस करे अंदर जाए, ठीक है। उससे क्या होगा, आपको हल्का सा पेन होगा, हल्का सा पेन होगा, वो पेन वेरिएबल होगा, मतलब ज़्यादा ही हो रहा है तो मत करना, लेकिन थोड़ा तो सहन करना पड़ेगा यार कुछ चाहिए तो, ठीक है। अब इसको आप पूरे हेड में आउटलाइन पे, आपने माथे में मत चलाने लगता ना, दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे चलाओ इसको, जिनको पूरे स्कैल्प में चाहिए पूरे स्कैल्प में ऐसे चलाओ, एक बार ऐसे वर्टिकल चला लो या फिर हॉरिजॉन्टल, इसको इसको वर्टिकल कह रहे हो तो उसको हॉरिजॉन्टल कह लो, मतलब पूरे हेड को जहाँ पे आपको चाहिए। अब होता कैसे, जैसे मैंने इसको यहाँ पे चलाया था, अब देखो आपको ऐसे दिख जाएगा, एक्चुअली मैं कैमरे की स्क्रीन में देख रहा हूँ, कैमरे में देख रहा हूँ, मुझे भी तो दिखना चाहिए कहाँ चला रहा हूँ मैं, तो मैं हल्का सा डायगोनल देख रहा हूँ क्योंकि कैमरे की स्क्रीन मैंने अपनी साइड कर रखी है और मैं इसमें देख कर चला रहा हूँ। ज़्यादा दर्द नहीं होता, वेरिएबल होगा, एक दो बार करोगे तो उसका ठीक हो जाएगा, मतलब आदत पड़ जाएगी। करना कब कब है, जैसे मैंने आज किया, आज बट एवर आज किया, तो कल छोड़ के परसों छोड़ के 3 दिन का गैप देना बीच में, 3 दिन, चौथे दिन करना है, मतलब 1 तारीख को किया तो सीधा 5 तारीख को करोगे आप, उसके बाद 3 दिन का गैप हो गया 4, उसके बाद 5वीं तारीख को, उसके बीच में आपको हेड की मसाज देनी है। मसाज देनी कैसे, अब जस्ट मैंने ये अभी किया, ठीक है, मैंने मान लो सुबह मॉर्निंग में किया, तो शाम तक या 2 घंटे तक आपको नहाना नहीं है, कुछ नहीं करना, 2 घंटे तक आपको पसीना नहीं आना चाहिए, ध्यान रखना है चीज़ का, और कुछ नहीं करना है, पानी नहीं लगने देना है 2 घंटे तो मिनिमम। उसके बाद यानी कि 2 घंटे के बाद, जस्ट उसके बाद आप अपना काम कर सकते हो नॉर्मल, कहीं जाना है वहाँ चले जाओ, या पसीना भी आता, लेकिन नहाना तो फिर भी नहीं है, 2-4 घंटे बाद ही नहाना। दो घंटे जैसे मैंने आपको बता दिया, 2 घंटे इसको करने के बाद आपने कोई छेड़खानी नहीं करनी है। दो घंटे बाद ही आप कुछ करेंगे, और शाम को अगर आप सुबह करते हैं तो शाम को अपनी मालिश करवा सकते हैं नॉर्मल, जो भी तेल आप यूज़ करते हैं, ठीक है, कोई अच्छा सा क्वालिटी का, ज़्यादा केमिकल वाला तेल ना हो, नॉर्मल सरसों का तेल आप यूज़ कर सकते हैं, उस सरसों के तेल को लगा के मालिश करिए आराम से, और सुबह उठ के शैम्पू कर लीजिए नॉर्मल, ज़्यादा केमिकल का नहीं, सल्फेट ना हो शैम्पू के अंदर, सल्फेट नाम के केमिकल होता है वो नहीं होना चाहिए, नॉर्मल शैम्पू, मतलब जैसे जॉनसन बेबी के शैम्पू आते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, जिसमें केमिकल ना हो, जो बच्चों के लिए आता है वो भी आप यूज़ कर सकते हो, केमिकल कम से कम उस शैम्पू में आप पड़ लेना, और एक सल्फेट नाम का केमिकल तो बिल्कुल भी होना चाहिए, ठीक है, नहीं होना चाहिए सल्फेट नाम का केमिकल, वो नहीं होना चाहिए, और उससे बिल्कुल है कि भाई बच्चों का यूज़ करना है बच्चों के लिए दे दो, बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी है, बिल्कुल 1 ही साल का बच्चा है, उसके लिए शैम्पू दे दो, वो शैम्पू आप करोगे, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल मतलब ना के बराबर शैम्पू ना करो तो अच्छी तरह सर धो लो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। करने के बाद ये करते रहो आप सारी जगह करो इनको। ये जो मैंने आपको छोटे छोटे बाल दिखाए मेरे और भी अंदर भी आए हैं, ये मेरी 2 महीने की मेहनत है, जो भी कुछ मैं पाया हूँ बाल मेरे जो आए हैं, ठीक है, ये 2 महीने में इतने से आए, वैसे तो 2 महीने में ज़्यादा लंबे बाल आते हैं, लेकिन ये न्यू ग्रोथ थी तो स्लो है, कुछ तो आए, ठीक है, 2 महीने में इतना आ गया बहुत है, और धीरे धीरे आ ही जाएंगे जैसे जैसे मुझे दिख रहा है, ठीक है, इसका मतलब इसका 200% रिजल्ट आता है, सही बता रहा हूँ मैं आपको, करना चाहिए, स्लो प्रोसेस भी नहीं है, 2 महीने में इतने बाल बुरे थोड़ी ना भाई। और इसके साथ साथ आपकी इसकी जो डाइट होती है, इसके साथ मैंने एक डाइट फॉलो की थी खुद पे, मतलब मैंने रिसर्च करके, मतलब कि इस क्या मतलब हेयर्स के लिए क्या क्या बेटर होता है, मैंने एक डाइट भी फॉलो की थी थोड़ी सी, ठीक है, वो डाइट अगर आपको पता चाहिए हो तो मैं बता दूंगा, ज़्यादा लाइन नहीं है, कम
नौ चीज़ें हैं जो बेसिकली मैंने फोकस किया, जिनको खाया मैंने नौ चीज़ों को, उसमें से दो तीन नॉन वेज हैं, बाकी सारी वेज ही हैं। तो आप मतलब वेज में भी है और नॉन वेज में भी है, बेटर है। अगर आपको चाहिए हो तो बता देना, मुझे कमेंट कर देना, मैं इसके सेकंड पार्ट में डाल दूँगा, हेयर रीग्रोथ डाइट की, हेयर को कैसे आप बेटर कर सकते हो, उसके लिए क्या डाइट चाहिए। इसको रखना कैसे है वो मैं बता देता हूँ। इसको रखना कैसे, दोबारा आपको जब आपका हो जाए दोबारा इसको डिप करना है, डिप करने के बाद इसको दोबारा आपको ऐसे झाड़ लेना है। ठीक है, ड्रायर भी करना है, ड्राई नहीं करना तो थोड़ी देर रखना है ऐसी जगह जहाँ पे कुछ होना, फालतू की धूल मिट्टी ना लगे, ऐसी जगह रख के ऐसे जगह कर लेना इसको, ऐसे ऐसे करके थोड़ी देर तक, ज़्यादा तेज़ मत करना कि टूट ही जाए। और इसको पूरा सेफ से रख देना, इसमें जम्स ना आने पाए। ठीक है, इसको तरीके से रखना है क्योंकि नेक्स्ट टाइम यूज़ करना है, जितना इसको सेफ रखोगे उतना इन्फेक्शन के, मतलब इन्फेक्शन तो इसमें होता ही नहीं है, बस सेफ रखना है। अब तरीके से इसको रख दीजिएगा और अब दो घंटे तक, जैसे मैंने आपको बता दिया, दो घंटे तक कुछ नहीं करना, पसीना भी नहीं आना चाहिए आपको और ना कुछ लगाना है ना नहाना है। ठीक है, खा पी तो कुछ भी सकते हो, जूस वूस पी लेना इसके बाद, और कोई पेन किलर नहीं लेना, पेन किलर की जरूरत भी नहीं है, बस हल्की सी इचिंग हो रही है, फालतू कुछ नहीं है। ठीक है, हल्की सी रेडनेस वगैरह कुछ आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही यूज़फुल है, अब यूज़ करके देखना। और मिलता कैसे है, डर्मा रोलर 0.5 mm करके ऑनलाइन कहीं पे मिल जाएगा, अभी तो डाउनलोड है, डाउन लॉकडाउन के बाद आप ऑनलाइन मिल जाएगा, देख लेना आज करके, फिर बीच में तीन दिन का गैप देके आप उसको फिर दोबारा यूज़ कर सकते हो, फिर वही दो घंटे तक कुछ नहीं करना, ऐसे करके 10 days में आप 3 बार कर पाओगे, बहुत है, महीने के अंदर 3 मतलब उसके हिसाब से 9 बार महीने में कर पाओगे आप, और 2 महीने में आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपने डाइट ढंग से फॉलो की और ढंग से इसको किया ना, तो 1 महीने में ही रिजल्ट विजिबल होगा, मतलब आपको बाल निकलते हुए दिखाई दे देंगे 1 महीने में, इतना रिजल्ट होगा इसका। और कोई मतलब ऐसा तो है नहीं, मैंने आपको बताया कि मेडिसिन लेनी है या ये लेना है वो लेना है, नेचुरल तरीका है, 100% वर्किंग, आप करके देखिए। ओके, बाकी कोई इशूज़ है कमेंट कर दीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर दीजिए, मैं रिप्लाई कर दूंगा, और डाइट के लिए बता देना, कमेंट कर देना, कमेंट आएगा तो मैं, ज़्यादा डिमांड होगी तो मैं वीडियो बना देता हूँ। ओके, बाय।